एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप लोग? कैसे हो भाई? फाइन सर। कैसे हो भाई आप लोग? अच्छे फाइन? फाइन सर। कितना फाइन भाई? एग्जाम हुए क्या स्कूल वगैरह में आप लोगों के? यस सर, साइंस का हो गया है सर, साइंस का? मंडे को मैथ्स का है। साइंस का हो गया? यस तो सर। कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब बेकार गया हो पेपर? नो सर, बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने तो हमारा तो कोर्स ही नहीं हुआ है। स्कूल में कहाँ तक खत्म हो गया था या फिर कहाँ तक आया था? सर टिश्यू चैप्टर तक हो गया था, बायोलॉजी में से सिर्फ एक ही चैप्टर आया था टिश्यू वाला। तो टिश्यू तो इजी है यार, है नहीं? यस इतना सर। डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। सर दो चैप्टर आए थे। वैसे आप लोगों ने वीडियोस तो देखी होगी टिश्यू वाले चैप्टर की मेरी, यस सर। तो कुछ तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ना। वीडियो जो पहले की डाली हुई है हम लोगों यस ने, सर। तो इजीली हो गया होगा वहां से कवर अप। यस सर, हो गया चलो, था। ये तो ऑनलाइन क्लासेस में ये तो फायदा ही है ना कि भाई चलो कोर्स पीछे है कोई नहीं, लेकिन वीडियोस तो हमारे पास आई है बाकी, यस सर। है ना? तो कितने नंबर का टेस्ट होता है आपका? सर इस बार तो हाफ ईयरली हुए थे तो 80 मार्क्स का हुआ था 80? सर, हाँ, लास्ट टाइम फोर्टी वही मार्क्स का तभी हुआ था। तभी मैंने पूछा, क्योंकि ना हर स्कूल में अलग अलग वो चल रहा है आजकल की, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 100 नंबर का होगा या 70 नंबर का होगा या कितने नंबर का होगा। तो आपके 80 नंबर का हुआ है यस सर। और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा। नो सर, इस बार सर प्रैक्टिकल के नहीं जोड़े सर, इस बार 20 मार्क्स उसी के जोड़े हैं जो अटेंटिव है क्लास में और जवाब देता है। ओके, नया रूल निकाल दिया है। देखो भाई, हम लोग ये लाइसोसोम्स पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है? तो लाइसोसोम्स एक ऐसा ऑर्गन ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, ठीक है? स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर फिल्ड रहता है एंजाइम्स, ठीक है? ये एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया था आप लोगों के? यस सर। यस सर। और जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं, और मैंने ये भी बताया था जैसे फूड हो गया, बैक्टीरिया हो गया या अदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है? तो होता क्या, जैसे ही मतलब लाइसोसोम्स तो एंजाइम से भरा रहता है, ठीक है? तो क्या करते हैं कि जैसे ही इन पे ये अटैक करते हैं तो लाइसोसोम्स क्या होता है, अपने जो केमिकल्स है उसको रिलीज करेगा और उन सब्सटेंस को, उन ऑर्गेनल्स को वो डिस्ट्रॉय करवा देगा जो उसको अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ ए सेल, ठीक है? ओके। और जो भी डैमेज हुआ है किसी के द्वारा भी, है ना, किसी के पैथोजन हो या वैसे भी डैमेज चल रहा सेल के अंदर, उससे भी उस सेल को वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है ताकि और डैमेज और मतलब और डैमेजेस ना हो सके, ठीक है? जैसे यहाँ से अब लेके चलते हैं, हेल्प टू क्लीन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है? ये तो हो गया ये, ठीक है? और इसके बाद लिख सकते हैं, थोड़ा बीच में छूट गया था लास्ट टाइम ये भी, तो रिलीज आउट फ्रॉम द सेल एंड रिलीज आउट फ्रॉम द सेल। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। नहीं, सही आ रही होगी यार। अब तो आप लोग थोड़ा देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर लो अपना। सर बीच बीच में तेज आ जाती है, फिर धीरे हो जाती है। हाँ, मे भी हो सकता है कि भाई नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता ही है। देखो, ऑनलाइन में थोड़ा सा तो है ही है, फर्क पड़ता है थोड़ा सा। अब ठीक आ रही है ना? यस सर। देखो, यस सर। होता क्या है, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फूड, ठीक है, उस पर अटैक करेगा या उसके पास जाएगा, तो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा उसको क्लीन कर देते हैं, मतलब सफाया कर देते हैं, डेस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डेस्ट्रॉय कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, रिलीज आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है? और इसको हम एक एनसीईआरटी में लाइन दे रखी, वॉर्न आउट
सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पैथोजेंस को है ना डिस्ट्रॉय कर देता है रिलीज होने के बाद, ठीक है। इसलिए हम जो लाइसोसोम्स होते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं, डेट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड, ठीक है, सुसाइड सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल? बिकॉज बिकॉज व्हेन अ सेल व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड, इज डैमेज्ड और इंजर्ड दीज दीज स्फेरिकल सैक्स आर ब्रश्ड, ये फट जाते हैं, जिनकी वजह से होता क्या है कि जो एंजाइम भरा होता है, एंजाइम्स आर रिलीज, एंजाइम रिलीज होते हैं, और फाइनली क्या होता है, फाइनली फाइनली दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट द स्फेरिकल बैग्स, स्फेरिकल बैग्स, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। होता क्या है कि कोई भी पैथोजन कोई भी इसको इंजर्ड कर रहा है या हार्म पहुंचा रहा है, तो वो क्या करता है कि वो अपने सेक्स को जिसके अंदर एंजाइम्स भरे रहते हैं उसको ब्रश कर लेता है, मतलब फट जाता है वो, जिसकी वजह से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और जो ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं ये एंजाइम्स फाइनली उस पैथोजन को उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इस लाइसोसोम्स के अंदर, ये देख लेते हैं, एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इन बैग्स के अंदर भरे रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि जो जो ये एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइक कौन कौन से एंजाइम्स, लाइक या फिर सच एज कौन कौन से होते हैं, जैसे न्यूक्लियेज एंजाइम हो गया, न्यूक्लियेज एंजाइम हो गया, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम हो गया, प्रोटीएज एंजाइम हो गया, ठीक है, और आपके एमाइलेज एंजाइम हो गया, एमाइलेज, और लाइपेज हो गया, लाइपेज एंजाइम हो गया, ठीक है, सल्फेटेज एंजाइम हो गया, सल्फेटेज एंजाइम हो गया, ठीक है, और जैसे फोस्फेटेज एंजाइम हो गया, फोस्फेटेज, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और ये माना जाता है, ये भी माना जाता है, जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स कंसीडर दैट इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस ओके। देखो हमने सिंपल सी ना चार पांच बातें याद रखो, सिंपल सी इनके लिए। एक तो देखो क्या बात याद रखनी है लाइसोसोम्स के लिए, लाइसोसोम्स के लिए ये बात याद रखनी है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, और जो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं इनके अंदर फिल्ड रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फिल्ड रहते हैं इनके अंदर। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करवा देते हैं। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम्स इसके अंदर, मतलब जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं,
तो एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर किसी के अंदर, किसी थैले के अंदर या कुछ भी ऐसा चीज, मतलब किसी भी, मतलब जो बैलून हो गया, बैलून को हमने वाटर से फिल कर दिया, तो बैलून इज लाइक हमारा लाइसोसोम्स हो गया, ठीक है। और बैलून के अंदर जो वाटर है वो एंजाइम्स है हमारे, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी पैथोजन, कोई भी कुछ भी अगर उस बैलून पे अटैक करेंगे, है ना, अगर अटैक करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैलून, वो बैलून क्या करेगा, अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब पूरा का पूरा वो फिल रहता है किससे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से फिल रहता है, ठीक है। जैसे ही वो डिफ्यूज करते हैं या फिर उसके अंदर एंट्री करते हैं, पैथोजन वगैरह या कोई भी फूड पार्टिकल हो गया, कुछ भी अदर फॉरेन सब्सटेंसेस भी हो गए, तो जैसे ही एंट्री करेंगे तो जो ये लाइसोसोम्स होते हैं वो फट जाते हैं लाइक अ बैलून की तरह, और फटने के बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि तो उनके जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके पास हर टाइप का एंजाइम मौजूद होता है। देखो एंजाइम कौन कौन से होते हैं भाई, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम मौजूद है डीएनए वगैरह को, मतलब डीएनए वगैरह को, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एंजाइम है, ठीक है। प्रोटीज हो गया, ठीक है, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। एमाइलेज हो गया किसके लिए, स्टार्च के लिए, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब शुगर है हमारी, ये शुगर है, शुगर बोलते हैं इनको हम। लाइपेज लिपिड को तोड़ने के लिए, ठीक है। सल्फेटेज सल्फर कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। फॉस्फेटेज फॉस्फेट कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे मेन मेन एंजाइम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है। तो ये एंजाइम्स जब कोई भी पैथोजन की तरह एंट्री करेगा तो फट जाएंगे, बिखर जाएगा, ठीक है। और वो जो पैथोजन से घिरा हुआ एरिया है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा सिंपली, और हम पैथोजन फ्री भी हो जाएंगे, मतलब, ठीक है। और सिंपल सी देखो, जो लाइसोसोम्स होते हैं, जैसे ये लाइसोसोम्स है हमारा, ये लाइसोसोम्स है, ठीक है, ये लाइसोसोम्स है, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और अंदर की साइड एक प्रोटीन कोट भी होती है, यहाँ पे अंदर की साइड एक प्रोटीन कोट भी होती है इसके अंदर, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बना देते हैं प्रोटीन कोट थोड़ा सा, ये रही, ये जो होती है, ये होती है प्रोटीन कोट, है ना, ये बनी होती है ग्लायोसाइलेटेड से, ठीक है, ग्लायोसाइलेटेड से, ठीक है, जिनके थ्रू जो जो अंदर बाहर आवाजावी होती है तो इनके थ्रू होता है, ठीक है। प्रोटीन के थ्रू यहाँ से कोई भी आएगा, यहाँ से कोई भी जाएगा, ये इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है, जो ये प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइलेट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। तो और इस मेम्ब्रेन के अंदर, अंदर की साइड यहाँ पे फिल होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, ठीक है भाई। सर इसके दो मेम्ब्रेन होती है, सर क्या चीज, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, नहीं वैसे होती तो सिंगल मेम्ब्रेन है, जो मेन बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ एक प्रोटीन की कोट है जिसके अंदर फिल्ड है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगर देखो, सुनो मेरी बात सुनो, कि देखो हमारे स्टोमक के अंदर कितने एसिड वगैरह रहते हैं, नहीं रहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो उस एसिड से हमें कौन प्रिवेंट कर रहा है, हमारा स्टोमक वगैरह, जो हमारे मतलब जो ये फूड पाइप है, ईसोफेगस है जो हमारी, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है एंजाइम से, मेम्ब्रेन, म्यूकस प्रिवेंट कर रहा है ना, क्योंकि म्यूकस सिक्रीट करता है, वहां पे म्यूकस सेल होती है जिसका नाम है गोबलेट सेल, वो सिक्रीट करती है म्यूकस, वो म्यूकस वहीं पे चिपक जाती है, मतलब हमारी लेयरिंग पे। तो जो और जो स्टोमक के अंदर जो एसिड सिक्रीट होता है, उसका जो पीएच होता है ना, वो कितना होता है, अराउंड 2 होता है ना, 2 pH का होता है एसिड, यस सर, है ना भाई। पीएच, एसिडिक पीएच कौन सा होता है, 1 से लेके 6.9 तक, है ना, यस सर,
भाई 0 से लेके और 6.9 तक एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर क्या होता है, बेसिक होता है। तो 7 वैल्यू जो होती है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है, उसके नीचे जो भी होगा वो एसिडिक कहलाएगा। और देखो कितना नीचे है, 2 पीएच का हमारे पास एसिड होता है हमारे स्टोमक के अंदर, और उससे हम प्रिवेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, अगर उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये एंजाइम्स आ जाएंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है ये डिस्ट्रॉय हो सकती है ना। यस सर, इसी की वजह से यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, उसके अंदर होता है ताकि उस चीज से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों के, आगे बढ़ते हैं ना। यस सर। ओके देखो, हेडिंग डालो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड, हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, बिल्कुल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द सेल। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके टर्म किसने कॉइन की है, टर्म कॉइन बाय कार्ल बैंडा, बिल्कुल करेक्ट बेटा, कार्ल बैंडा ने इसको टर्म को कॉइन किया है। देखो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की आपने पहले स्ट्रक्चर बनाई होगी, माइटोकॉन्ड्रिया Yes, बनाई है, किस टाइप्स की बनाई होगी आपने, कितनी मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया पे, सर टू मेम्ब्रेन होती है ना। बच्चों एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है अर्जेंट, एक मिनट बस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी टू मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर, आउटर जो मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों में फर्क यह है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड्स होती है अंदर की साइड से, है ना, इनफोल्ड्स होती है। ठीक है, अगर अगर देखो, अगर मैं सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ कि भाई मुझे एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, या सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, तो उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। क्या बोलते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एमटी का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियोन, ठीक है। अगर मैं एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूँ, प्लूरल की बात करता हूँ, ठीक है, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूँ, तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है ना, जैसे भाई एक सेल होती है, एक सेल होती है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, और कहीं डीएनए नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, खुद का डीएनए भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं डीएनए का, इससे दिखा देते हैं, ये डीएनए का, ठीक है, यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर है, तो ये है डीएनए, इसका खुद का डीएनए है, ठीक है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है इसका। साथ में इसके पास खुद का राइबोसोम भी है, यहाँ पे राइबोसोम दिखा देते हैं, ये रहे राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम है, ये रहे, ये सब है राइबोसोम से, ठीक है, ये खुद का राइबोसोम से, ठीक है। और इन जो जो ये वाली फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा है ना, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टे क्रिस्टे। आपको पता है जैसे ये मैंने सेल बनाई यहाँ पे साइड में, ठीक है, अगर आप देखोगे सेल के जो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है सेल के इस साइड पे, ये अंदर की साइड पे, यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, बाहर की साइड है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है। तो मतलब सेल का ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये वाला एरिया है, जो फ्लूड फील्ड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, ठीक है, मतलब दे हैव देयर ऑन डीएनए ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है, मतलब इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो देयर फोर दे सिंथेसाइज देयर ऑन एटीपी प्रोटीन, अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं ये, ठीक है। और ऐसे नेचर के ऑर्गेनेल को हम क्या बोलते हैं, इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ठीक है जी, सर ठीक है जी। इससे क्या बोलेंगे हम, ये खुद का सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, ठीक है, इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलेंगे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की जो दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, फोल्डेड होते हैं वो थोड़े से, ठीक है। और जो फोल्ड हुई होती है इनर मेम्ब्रेन, उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, इसका मतलब वो खुद प्रोटीन बना सकता है अपनी, है ना। यस सर और ऐसे नेचर के ऑर्गेनल को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। यस सर अब मुझे बताओ कि भाई इसका फंक्शन क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, बताओ, चलो देखता हूँ मैं कौन बताता है, कौन बताएगा फंक्शंस भाई आपको। चलो ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन, हम लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, या फिर जो हम लोग हैं ह्यूमन जो है उसको एनर्जी कैसे मिलती है, एनर्जी कैसे मिलती है, क्या खाना खाने से एनर्जी मिलती है या रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। खाना खाने से खाना खाने से मिलती है,
और कौन बताएगा मेरे को यहाँ पे? सर दोनों से रेस्पिरेशन कुछ मतलब कोशिश ये कर। ऑक्सीजन मिलती है। निधि कुमारी सर दोनों सर, क्योंकि हम मिलती है। खाना खाएंगे तो सर हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन भी होगा। अब मेरे को देखो क्वेश्चन कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन से क्या मिलता है और डाइजेशन से क्या मिलता है हमें। कुश भाई ऑडिबल है कुश भाई? यार बता दो हमें भी, ऐसे नाराज क्यों बैठे हो वहां पे? हैं नो सो तो नहीं गए? सर। अच्छा, चलो ठीक है, नींद से जगा दिया मैंने, थैंक्स टू मी। बताओ फिर कैसे रेस्पायरेशन करेगा ह्यूमन और कैसे मतलब उसको एनर्जी मिलेगी या फिर डाइजेशन से क्या होता है? जो सारे फैक्ट है सारे एक दूसरे से अटैच्ड है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हमें रटना नहीं है। आज रटोगे कल भूल जाओगे, तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैं निधि कुमारी, सर माइटोकॉन्ड्रिया हाँ जैद बोलो, आप बोलो। सर रेगुलेट करके करता है सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सर। रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चलो सर वो ठीक है। एनर्जी रिक्वायर करता माई बॉडी को। वो तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया, मैंने पूछा रेस्पिरेशन से हम कैसे कर सकते हैं भाई, वो तो आप मुझे उसका फंक्शन बता रहे हो। हैं मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे ले लो। हैं सर नहीं आपने पहले पूछा था ना उसका फंक्शन, तो मैं वो हाँ बता। भाई, निधि कुमारी कहाँ पे है? निधि कुमारी आर यू अवेलेबल? निधि कुमारी, यस अरे भाई सो तो नहीं गई हो? उठ जाओ मैडम, सर जगी हुई हो? हैं यस सर ऐसे तो नहीं साइड में आईपीएल का मैच चल रहा है यस या फिर साइड में अलग सर नो सर टीवी पे मतलब कसौटी जिंदगी की चल रहा है अलग से? ऐसा तो नहीं है सर मैं घर अलग रूम में हूँ। घर घर की कहानी तो नहीं देख रही हो आप? क्रिश वर्मा, क्रिश क्या भाई? क्रिश सर जो हम सर फूड खाते हैं सर उसकी जो सर केमिकल भाई, एनर्जी होती क्रिश है क्या? सर क्रिश नाम सही है ना ये? यस अरे भाई दुनिया को बचा लिया हो तो हमसे ही बात कर लो थोड़ा। हाँ भाई क्रिश, अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है? और तेज बोलो थोड़ा, सुनाई दे रहा बाकियों को? आपको सुनाई दे रही है इसकी आवाज? देखो लो है इसकी भी इनको भी नहीं सुनाई दे रही है, मतलब बिजी हो, मतलब दुनिया वुनिया को बचाने में बिजी हो तो ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे बेटा। हेलो हेलो नहीं, इधर सुनो, हेलो। क्या आवाज बेटा? आप आवाज बोलोगे तभी तो आवाज आएगी ना, बहुत दब के आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि कहीं ब्लैंकेट के नीचे फोन छुपा के ऊपर ऊपर से बोल रहे हो हमसे? चलो ठीक है, देखो होता क्या है, देखो सिंपली वे में देखो, बहुत प्यार से समझेंगे इस चीज को, यहाँ पे ऐसा लाइन खींच लेते हैं। देखो होता क्या है, आप खुद ही सोचो यार, हमने खाना खाया, फूड को हमने लिया, खाना खाया इसका डाइजेशन किया, डाइजेशन किया खाने का, हमें क्या मिला? ये क्या फूड क्या है हमारा? फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स है ना? यस सर और डाइजेशन के बाद क्या हो गया? सिंपलर में चेंज हो गया, सिंपल में है ना? यस सर सिंपल ये वो वाला सिंपल है जो एब्जॉर्ब हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है? जैसे कि हमने फूड खाया, कोई भी सुगर खाई है ना, सुगर लिया हमने, ठीक है, वो सुगर डाइजेशन के थ्रू चेंज हो गई ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज को हमने बॉडी के अंदर मतलब हमारे जो खून होता है उसमें हमने एब्जॉर्ब करवा ली, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में आ गई है जो है ग्लूकोज हमारा। अब ब्लड वेसल्स से जो ग्लूकोज है वो जाएगा सेल पे, ठीक है, अब सेल ग्लूकोज को ले लेगी, इसका मतलब है अब ये सेल पे आ गया ग्लूकोज, G4 ग्लूकोज, ठीक है।
अब देखो दूसरी बार हमने दूसरा स्टेप क्या लिया, हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया, ऑक्सीजन को हमने लिया, ठीक है, वो सर लंग्स। हाँ जी सर इस प्रोसेस को सर एक बार समझा दो। मैं बताऊंगा दोबारा, पहले मैं दूसरा वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ अपना। यस सर। हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया थ्रू नोज, हमारी नाक जो है उससे हमने ऑक्सीजन ली, जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में चली गई और लंग्स से वो हमारे ब्लड वेसल्स में आ गई, खून में आ गई, ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजन होते हुए कहाँ पे आ गई, ब्लड वेसल्स में आ गई, खून में, ठीक है। और खून से सीधा जो ऑक्सीजन है कहाँ पहुंचेगी, सेल के अंदर, प्लस O2 पहुंच गई हमारी, ऑक्सीजन पहुंच गई हमारी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है आपस में, और इनकी रिएक्शन से हमें मिलता है ATP, एनर्जी मिलती है। ATP क्या होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है ना, प्लस CO2 मिलता है, प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। जो CO2 होती है, जो CO2 हमें मिली है, इस CO2 को हम दोबारा इसी पाथवे के थ्रू हम लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देंगे, नोज के थ्रू फाइनली, और ऑक्सीजन लेते और CO2 से छोड़ देते। इसका मतलब है जो ग्लूकोज होता है वो हमारा एक सबस्ट्रेट है एनर्जी का, सोर्स है एनर्जी का। मतलब ये नहीं खाना खाया तो हमें एनर्जी मिल गई, वहां खाना खाने के बाद हमें रेस्पिरेशन भी तो जरूरी है ना हमारे लिए, यस सर, ठीक है यस भाई। सर, अब समझ में आया दोनों प्रोसेस? यस सर, यस सर, सर एक ठीक बार है। तो समझाओ हाँ है, सर पहला वाला प्रोसेस समझ नहीं आया। हाँ देखो पहले वाला प्रोसेस में देखो है क्या, कुछ नहीं है। देखो पहले वाले प्रोसेस में है क्या, कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला लेते हैं। देखो हमने फूड को खाया, फूड हमारा डाइजेशन हुआ, हमने फूड में क्या खाया, हमने फूड में खाई शुगर, मीठा खाया कुछ। अब जो हमने खाया वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा उस फूड को, ठीक है। तो हमने उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू। तो उस चीज में हमने तोड़ दिया जिस चीज में वो एब्जॉर्ब हो सकता हो बॉडी के अंदर, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना जरूरी है, उस फॉर्म में हम इसको तोड़ देते हैं। मतलब ग्लूकोज फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया और उसको हमने एब्जॉर्ब करा लिया हमारी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, हमारा जो ग्लूकोज है वो आ गया ब्लड वेसल्स के अंदर। अब जिस सेल को जरूरत होगी इस ग्लूकोज की, ये ब्लड वेसल्स वहां पे उस सेल तक उसे ले जाएगा, ठीक है। अब देखो सेल के अंदर आ गई हमारी ग्लूकोज, आ गई सेल के अंदर। अब हमने ये किया कि हमने ऑक्सीजन ली लंग्स के थ्रू, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में गई हमारी, ठीक है। ब्लड वेसल्स से कहाँ पे गई, सेल के अंदर गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस सेल ने, इसके पास ग्लूकोज भी है ऑक्सीजन भी है, अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज वाली ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन चली, इससे हमें एनर्जी मिली, प्लस CO2 निकला और H2O बाहर निकला, ठीक है। जो CO2 होता है उसको हम दोबारा से बाहर निकाल देते हैं सांस के द्वारा, अपने लंग्स के द्वारा, ठीक है। और जो एनर्जी होती है, अगर हमें अभी के अभी उस एनर्जी की जरूरत है तो हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, वरना हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को स्टोर करके रख लेंगे। और जो ये एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, ठीक है। यस सर, ठीक है भाई। देखो अगर मैं फंक्शन लिखूं यहाँ पे, फंक्शन अगर मैं एनिमल सेल के अंदर फंक्शन लिखूं, एनिमल सेल, ठीक है। तो आपको पता है सिंपली, अब आपको आपको पता लग चुका है कि जैसे सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज मौजूद होगा जो फूड के थ्रू हमने लिया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन हमने रेस्पायरेशन के थ्रू ली होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये ग्लूकोज है, जो ये वाला ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ देता है, किसमें, ATP में, एनर्जी में, प्लस CO2 में, प्लस वाटर में, ठीक है। और जहाँ पे ये प्रोसेस चलता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस चलता है ये वाला, ठीक है। और जो ATP है वो स्टोर हो जाती है एंड कैन बी यूटिलाइज, हम इसको यूज भी कर सकते हैं,
यूटिलाइज भी एनिमल सेल के अंदर हो रहा है कि एटीपी इज यूटिलाइज्ड यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी एनर्जी ठीक है. सेकंड क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनर्जी हमें क्योंकि सर आपकी वॉइस ब्रेक है. एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क ठीक है, मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल्स ठीक है. हाँ आवाज ब्रेक हो रही है. यस सर. हाँ मे बी नेटवर्क का इश्यू हो, आप नोट कर लो उतने. आप स्क्रीन भी सर धुंधली धुंधली दिख रही है. आवाज आ रही है? Yes, sir. इसको नोट करो. Yes, आप इसको नोट करो. इसको नोट करो. आप कर लिए नोट? नो सर अभी कर रहे हैं. ठीक है करो. हिंदी छोड़ रहे तुम. अरे यार 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 ने देखो प्लांट सेल में होता क्या है. सर प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया पड़ गई. देखो इसमें होगा क्या कि जैसे ये एक प्लांट की सेल है ठीक है. प्लांट की सेल के अंदर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, होता नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है
जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है ठीक है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया एम्प्टी और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ठीक है। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ग्रैनम होते हैं, ये है ग्रैनम, इसको पूरी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं ठीक है, और सिंगल सिंगल इसको एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल को क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड, थाइलाकोइड बोलते हैं ठीक है। इस थाइलाकोइड के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड के अंदर ठीक है। पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं थाइलाकोइड के अंदर ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही प्लांट पे लाइट पड़ेगी, प्लांट के इस सेल पे लाइट पड़ेगी, तो लाइट पड़ने की वजह से होगा क्या कि लाइट पड़ने की वजह से होगा क्या कि यहाँ से बनेगी एनर्जी, एटीपी बनेगी यहाँ से, प्लस NADPH2, ये एनर्जी की फॉर्म है दोनों की दोनों, ये दोनों बनेगी यहाँ से इस थाइलाकोइड के थ्रू। अब यहाँ से बाहर से CO2 आ गई, CO2 कहाँ से आती है, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू है ना, और स्टोमेटा से कहाँ से आती है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से लेता है स्टोमेटा, और CO2 कहाँ पहुँचाएगा, इस सेल पे, CO2 आ गई यहाँ पे ठीक है, ओके CO2 आ गई यहाँ पे सर, प्लस, हाँ जी सर, CO2 वही लेते हैं ना सर जिनको जरूरत होती है, नहीं CO2 हर प्लांट लेता है खाना बनाने के लिए सर, नहीं मतलब उस टाइम जिस सेल को जरूरत होगी सर वही लेगा ना, हर सेल के पास CO2 पहले से रहती है ठीक है, ये नहीं कि जरूरत के टाइम पे ही लेगा ठीक है, CO2 तो रहती रहती है, बस फर्क इतना पड़ता है कि अगर लाइट होती है तो खाना बना लेते, लाइट नहीं होती तो वो CO2 ऐसे कैसे रहती है वहां पे ठीक है। यस सर, तो देखो CO2 बाहर से ले ली, प्लस वाटर कहाँ से आ जाएगा, रूट के थ्रू सोइल से ले लेगा है ना, और ये बना लेगा क्या, ग्लूकोज, मतलब अपना खाना बना लेगा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज बना है ये ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगा, फिर ये ग्लूकोज चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के बाद ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा ATP प्लस प्लस CO2, ATP CO2 प्लस वाटर में ठीक है। जो ये CO2 टूटी है, ये CO2 जो बना है, ये CO2 फर्दर यूज हो जाएगा खाना बनाने में ठीक है, और जो ATP होगा वो यहीं पे स्टोर हो जाएगी और जरूरत के टाइम पे इसको यूज कर लेंगे ठीक है। तो प्लांट में ऐसा प्रोसेस चलता है ठीक है। ओके तो इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा समझते रहना, देखो जो ये एनर्जी, देखो समझने की कोशिश करो थोड़ी सी, जो ये एनर्जी बनी है हमारी, ये एनर्जी क्या होती है, ये यूज हो जाती है कहाँ पे, CO2 से ग्लूकोज बनाने में। देखो होता क्या है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रैनम है हमारे ठीक है, ये ग्रैनम है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्रैनम को हम बोलते हैं थाइलाकोइड ठीक है, थाइलाकोइड बोलते हैं ठीक है। अब होता क्या है कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो रूट से ले लेगा और रूट से लेने के बाद सेल में आ जाएगा, सेल के बाद क्लोरोप्लास्ट में भी आ सकता है, तो इस वाले ग्रैनम के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है लाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट आएगी, लाइट की प्रेजेंस में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा, और टूटता किसमें, ये टूट के बना लेता है ATP प्लस NADPH2, ये दोनों की दोनों एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी है ये हमारी ठीक है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, ADP की फुल फॉर्म क्या है सर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी एनएडीपीएच की, ये हो जाएगी एन निकोटिनामाइड एडिनो एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक है जी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। तो ये एनर्जी की फॉर्म है, तो वाटर टूटेगा एनर्जी मिलेगी, प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होएगा, ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा, निकलेगा बाहर, ठीक है। यहाँ से CO2 आ जाएगी बाहर से स्टोमेटा के थ्रू, CO2 प्लस वाटर मिलके ग्लूकोज बना लेंगे, ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म से ट्रेवल करके पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बना लेगा, एटीपी हम यूज कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, जो CO2 होगा इसको हम दोबारा यूटिलाइज कर लेंगे खाना बनाने में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इसका फंक्शन टोटली चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें काम करता है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, थ्रू ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो जल्दी फटाफट। ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपका टेस्ट लूंगा कोई भी, मतलब किसी भी टॉपिक का, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सर ये सिर्फ सेल में फाउंड होते हैं, प्लांट सेल में और एल डबल मेम्ब्रेन। और मैं बोलूं, मैं ये बताऊं कि एनिमल सेल में भी होते हैं, फिर देखो जो प्लास्टिड्स होते हैं प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, सिर्फ ओनली प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अलावा भी एक एनिमल सेल में भी होता है, एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन कौन है इसका, युग्लिना, युग्लिना का नाम सुना है, युग्लिना, यस सर, युग्लिना एक एनिमल है, यस सर, यस सर, है ना, यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब खाना बनाएगा अपना, ठीक है। तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारे पास जिसका नाम है युग्लिना, हाँ हाँ। तीसरा पॉइंट क्या है प्लास्टिड का, प्लास्टिड्स के पास भी दे हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, ठीक है, इसके पास भी है। अब खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम होगा तो और उसको क्या बोलेंगे हम, सेमी ऑटोनोमस नेचर बोलेंगे, ठीक है। और जो प्लास्टिड है उसको, इसकी टर्म्स को कॉइन किसने किया, कॉइन बाय अर्नस्ट हैकल ने, किसने किया है,
जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स। टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। सर ल्यूकोप्लास्ट के दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, कलर्ड, कलर्ड प्लास्टिड होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये व्हाइट कलर का, बोल दो आप इसको व्हाइट कलर, व्हाइट कलरलेस, हाँ व्हाइट कलर बोल लो या फिर कलरलेस बोल लो, और कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, मैंने जस्ट अभी बताया आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में, बताया नहीं बताया मैंने अभी? जो कलर होता है, जो प्लास्टिक में कलर पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पिगमेंट, थाइलाकोइड होती है ना, थाइलाकोइड होता है ना। इस थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है? कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं इस प्लास्ट, इस थाइलाकोइड के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स तो होते होते साथ में ऑल्सो कंटेन, ऑल्सो कंटेन, साथ में क्या क्या कंटेन कर सकते हैं? ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो ये पिगमेंट्स है ये किस चीज में यूज होते हैं? इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन फोटो, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस में, ठीक है। यस सर। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाऊं, अगर दिखा देता हूँ, चलो डायग्राम बना के, वरना आप बोलोगे सर ने डायग्राम बना के भी नहीं दिखाया, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे बोलोगे ना आप? नो सर। देखो मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया है कि ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ऐसे करके कुछ, ठीक है, बहुत सारी होती है, एक नहीं होती है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है ऐसे करके, ठीक है। और जो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ये आपस में कनेक्ट भी होती है, ये कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट है ना, ऐसे ऐसे आप बहुत सारी होते हैं, बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस पूरे को हम बोलते हैं ग्रैनम, क्या बोलते हैं? ग्रैनम, ग्रैनम। और ग्रैनम के एक सिंगल चीज को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। बिल्कुल थाइलाकोइड, समझ गए आप लोग, थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ये जो आपस में जो कनेक्ट है, ये दोनों जो कनेक्ट है आपस में, दो ग्रैनम आपस में कनेक्ट है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिला। जैसे जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, खाली जगह पे मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन और दिखा देंगे यहाँ पे बाहर की साइड, ताकि हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। यस सर। अब इस और ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट की। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है।
और इसके अंदर ये भी तीन टाइप का होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, ये भी तीन टाइप का होता है, जैसे एमाइलोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड है इलियोप्लास्ट, थर्ड है प्रोटीनो प्लास्ट। ये तीन टाइप का होता है प्लास्ट, ठीक है। जो एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये स्टोर करता है, स्टोर स्टोर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करके लगता है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। जो एलियोप्लास्ट है ये स्टोर करता है, ये जो एलियोप्लास्ट है ये स्टोर करता है, स्टोर फैट मोलेक्यूल्स, ठीक है, और या फिर ऑयल को स्टोर करता है। जो देखो नाम से पता लग रहा है प्रोटीनोप्लास्ट, ये किसको स्टोर करेगा, प्रोटीन। बिल्कुल स्टोर प्रोटीन, ठीक है। ये तीन टाइप का होता है, तीन टाइप मैंने आपको बता दिया, ये भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर। आगे बढ़ते हैं, वो यस सर। कर लिया ना आपने। भाई नोट कर लिया ना, यस सर। ओके। देखो वैक्यूल लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, वैक्यूल। वैक्यूल देखो, जो वैक्यूल्स, जो वैक्यूल होता है ये वैक्यूल सर किसके और किसने करा है, ल्यूकोप्लास्ट का सर डायग्राम, क्या चीज? सर ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट, का सर ल्यूकोप्लास्ट जो डायग्राम। होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल शेप, ठीक है। ओके यस सर। ओके। जो वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल जो होता है वो डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर्ड बाय, सर पीछे का थोड़ा दोबारा क्या चीज, क्या सर, ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, बाद में, ठीक है। देखो सर। वैक्यूल, वैक्यूल डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। और ये इसने किस चीज के अंदर डिस्कवर किया, डिस्कवर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया वैक्यूल, ठीक है। जो यस वैक्यूल, सर। जो वैक्यूल होता है वो भी मेम्ब्रेन से बना हुआ था, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है ये। जो जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है, कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये हमारा वैक्यूल हो गया, ठीक है, ये वैक्यूल हो गया। इस वैक्यूल के अंदर ये जो वैक्यूल है, ये जो मेम्ब्रेन है ये है टोनोप्लास्ट, ये है टोनोप्लास्ट, ठीक है, ये टोनोप्लास्ट हो गई हमारी बाहर वाली, ठीक है। और जो अंदर का जो ये कंटेंट है इसको बोलते हैं हम सेल सैप, क्या बोलेंगे, बिल्कुल सेल सैप, ठीक है। अब जो इसका काम क्या होता है, देखो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो जो काम भी बताऊंगा मैं आपको, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल सैक लाइक, सैक लाइक होती है, ठीक है। मे बी लिक्विड और सॉलिड कंटेंट इनसाइड दिस, ठीक है, मे बी लिक्विड और मे बी सॉलिड, ठीक
ठीक है, अगर मैं दोनों एनिमल और प्लांट की बात करूं, अगर मैं वैक्यूल, क्योंकि प्रेजेंट दोनों में होता है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट, ठीक है, अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल के अंदर देखो, एनिमल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो एक्चुअली में स्मॉल होता है, थोड़ा सा छोटे टाइप का होता है, लेकिन जो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है, लार्ज लार्ज, ठीक है, जो एनिमल होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो थोड़ा टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो हमेशा परमानेंट होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। ये जो वैक्यूल है, जो वैक्यूल है एनिमल के अंदर, ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है ये, ठीक है, स्टोरेज जैसे ग्लूकोज का स्टोरेज हो गया, ठीक है, और आपका ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गए, ठीक है, इन इन चीज़ों का, प्रोटीन हो गया और ग्लाइकोजन हो गए, इन चीज़ों का स्टोर करके रखता है। लेकिन जो प्लांट का जो वैक्यूल होता है, इसका काम क्या होता है, ये भी क्या करेगा, स्टोर करेगा चीजों को, किस चीज को, इसके स्टोरेज को, जो प्लांट का स्टोरेज होता है इसको हम बोलते हैं सेल सैप, क्योंकि अंदर क्या होता है, सेल सैप ही होता है, ठीक है, तो इसके स्टोरेज को हम क्या बोलेंगे, सेल सैप बोल सकते हैं। इस सेल सैप के अंदर क्या हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, ठीक है, अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गई, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, इन चीजों का स्टोरेज होता है इसके अंदर, ठीक है। और जो प्लांट की जो ये प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है, ये लार्ज इन साइज होता है, तो इसकी एक वजह है लार्ज इन साइज होने की, ठीक है, वो क्या है कि ये जो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है, प्लांट सेल वैक्यूल जो है, ये क्या कर देता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाता है एंड रिजिडिटी, ठीक है। अब खुद ही सोचो आप इस चीज को, जैसे ये सेल हो गई है, इस सेल के अंदर ये वैक्यूल हो गया बड़ा सा, ठीक है, अब क्या करेगा कि जो ये वैक्यूल है ये सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन रखेगा, मतलब सेल कभी पिचक ना जाए या ज्यादा ना फैल जाए, इसको ये मेंटेन करके रखता, कौन, वैक्यूल, ठीक है। यस सर, प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है, क्या प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है, हाँ न्यूक्लियस और छोटा होता है, ठीक है, ये वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। देखो इन प्लांट सेल की बात करो, इन प्लांट सेल जो वैक्यूल होता है ना, सेंट्रल जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल में ऑक्यूपाई 50 to 90% सेल का जो वॉल्यूम, 50% ऑफ द सेल वॉल्यूम, अब हिसाब लगा लो कि इतने वॉल्यूम में सिर्फ वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, बड़े चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है, और आपको मैंने कहा था कि इसकी रीडिंग लगानी है आपको पूरे चैप्टर की, आपने रीडिंग लगाई है, यस सर, और रीडिंग लगाने पे कुछ एक्स्ट्रा मिला है आपको, यस सर, बताओ क्या मिला है, आप एक काम करो, आप पहले नोट्स को पढ़ो मेरे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ अभी, ठीक है, मैं आपको 15 मिनट का टाइम देता हूँ।
15 मिनट में आप रीडिंग लगाओ और इस नोट्स को पढ़ो जो मैंने आपको लिखवाया है, और मैं आपका फिर पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है? ठीक है भाई सर, एक बार आप प्लास्टर वाला दिखा सकते हो? नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना? ओके सर, यस सर। ठीक है, 15 मिनट बाद आप रीडिंग करो एनसीईआरटी की रीडिंग करो और नोट्स को ध्यान से देखो, इसको नोट करो, ओके? यस सर। और मैं आपका नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूंगा, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ओरली टेस्ट लूंगा हर बच्चे से, ठीक है? 15 या 20 मिनट्स का टेस्ट होगा ओरली, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, टिश्यू वाला टॉपिक कराऊंगा आपको, टिश्यू वाला चैप्टर, ठीक है? Yes, sir. Okay, आप इसको पढ़ो, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करो आपस में भी, ठीक है? और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है? Yes, sir. Okay. ये सब ठीक है ना? आप रीडिंग कर रहे हो ना? यस सर, यस सर। ओके ओके, रीडिंग करो। नीचे स्क्रॉल कर दीजिए सर। सर प्लांट एंड एनिमल वैक्यूल का जो था सर। ठीक है? यस सर, यस सर।
पढ़े हो ना आप लोग? यस सर। तो एक काम करते हैं कि आप लोग रीडिंग करो, ठीक है, एनसीईआरटी से प्लस नोट्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन पूछना मुझसे और मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। थैंक यू सर। सिर्फ जो आज पढ़ाया सर उसका? नहीं, आज नहीं पढ़ाया, पूरे चैप्टर का। ओके। पूरे चैप्टर में से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से, कोई भी साइंटिस्ट के बारे में, कोई भी चीज, ठीक है? ओके सर। उसके बाद हमारी जो पीटीएम होगी उसका पीटीएम फिर हम लेंगे। सब पीटीएम कब है? जब भी होगी तो मैं बताऊंगा। मैंने फिर क्लास में पूछा था तो जवाब नहीं दिया बच्चों ने, तो आप लोगों को पढ़ना है। ओके सर। ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।